नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है जयपुर से, जहां पर रक्तकोष फाउंडेशन बूंदी जिलाध्यक्ष राजेश खोईवाल, शिवराज बैरागी व रवि कुमार राज्य स्तरीय कार्लैंडस्टीन अवार्ड से हुए सम्मानित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने खोईवाल, शिवराज बैरागी, रवि कुमार को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। रक्तकोष फाउंडेशन राज्य स्तरीय रक्तदान अधिवेशन एवं सम्मान समारोह 2024 कार्यक्रम का जयपुर के एक निजी होटल में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित रहे व अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक व रक्तकोष फाउंडेशन के संस्थापक जितेंद्र कुमार सोनी व जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल जी विश्नोई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सुथार जी, राष्ट्रीय महासचिव ताराचंद जी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल मरमित, नितिशा शर्मा राष्ट्रीय संयोजक मंचासन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती, रक्तदान के जनककार लैंडस्टीन वस्व अनिता व्यास की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके बाद अतिथियों का स्मृति चिन्ह से सम्मान किया गया। बूंदी रक्तकोष फाउंडेशन जिला अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया व रक्तकोष फाउंडेशन संस्थापक एस डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का स्मृति चिन्ह से स्वागत किया। कार्यक्रम में रक्तकोष फाउंडेशन की पूर्व कोषाध्यक्ष स्व अनिता व्यास को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्थापक जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी को रक्तदान करने व अपने रिश्तेदार व परिचितों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलवाई। इसी क्रम में डॉक्टर सोनी ने टेबल कॉफी पोस्टर का विमोचन व रक्तकोष फाउंडेशन विवरणिका का विमोचन किया। प्रकृति व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन से जीवन मुझे अपनाओ, सांस से हो रही कमाओ, पेड़ लगाए हम पोस्ट का विमोचन किया। मुख्य अतिथि जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित ने रक्तदान जागरूकता को लेकर अपने विचार प्रकट किए। वह रक्तकोष फाउंडेशन द्वारा जनसेवा के कार्य के साथ जनमानस का जीवन बचाने के लिए रक्तदान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। राजस्थान के सभी जिलों से जिला अध्यक्षों व कार्यकारिणी ने कार्यक्रम में भाग लिया। सभी ने रक्तकोष की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसके पश्चात रक्तदान निबंध रील व अन्य प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वालों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। अधिवेशन में राजस्थान के 25 जिलों से आए रक्तकोष फाउंडेशन के जिला अध्यक्षों व कार्यकारिणी से संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 1-to-1 बात कर जनसेवार्थ जरूरतमंद को समय पर रक्त उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अधिक रक्तदान शिविर लगाने व जिला कार्यकारिणी का ब्लॉक स्तर पर विस्तार करने के निर्देश नील जालोर जिला कलेक्टर रहने के दौरान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रक्त की कमी से जूझ रहा जालोर जिले में रक्त की कमी को दूर करने के लिए 14 जून 2018 में रक्तकोष फाउंडेशन की स्थापना की थी। तब से रक्त सेवा करते रहे और कारवा बढ़ता गया और आज देश प्रदेश में रक्तकोष फाउंडेशन के कार्यकर्ता व परिवार रक्त सेवा में काम कर रहे हैं। रक्तकोष फाउंडेशन द्वारा देश भर में 6 साल में 1,13,000 रक्तदान करवाया जा चुका है और राजस्थान के 25 जिलों में और देश के 7 राज्यों में रक्तकोष फाउंडेशन की कार्यकारिणी काम कर रही है एवं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रक्तकोष फाउंडेशन का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिलने व लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और रक्त वीरांगनाओं की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई हैं। तो प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्वस्थ रहने की दिशा में हर वर्ष दो या दो से अधिक बार रक्तदान करूंगा और गंभीर घायलों बीमारों एवं प्रसूताओं को सुगमतापूर्वक रक्त मुहैया कराने में निस्वार्थ भाव से सक्रिय संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध रहूंगा। साथ ही मैं मेरे परिवारजन रिश्तेदारों तथा मित्रों को रक्तदान हेतु प्रेरित करूंगा। रक्तदान महादाता। रक्तकोष फाउंडेशन के द्वारा सतत रूप से रक्तदान शिविर आयोजित कराकर नजदीकी ब्लड बैंक से पर्याप्त रक्त मुहैया करवाया जाता है और इसके लिए हमारी प्राथमिकता रहती है सरकारी ब्लड बैंक के माध्यम से काम हो और सरकारी नहीं तो निजी बैंक ब्लड बैंक को भी हम परहेज नहीं करते हैं, मिलकर के काम करते हैं। इसके लिए किसी भी शुभ दिवस रक्तदान के लिए जन्मदिन है, किसी महापुरुष की जयंती है, एनिवर्सरी है, विवाह की वर्षगांठ से कह सकते हैं।
और यहाँ स्वागत श्री प्रकाश आर पुरोहित जी, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जयपुर। स्वागत करने के लिए जितेंद्र परिहार जी और राजेश खाइना जी। अभिनंदन और स्वागत है। इसके बाद डॉक्टर फाउंडेशन के संस्थापक व संरक्षक श्री जिला कलेक्टर महोदय जितेंद्र कुमार जी सोने का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सर, मुझे दो साल हुए, दो साल में 1691 यूनिट रक्त बूंदी में करवाया गया है। बहुत ही बढ़िया। और मैं स्वयं 94 से रक्तदान करता आया हूँ। 67 बार तो दाता दिवस पे मैंने डोनेशन किया है और रात की 12 बजे भी बक्कर हमारी टीम डोनेशन करने पहुँचती है बूंदी में। आज तक कोई अगर केस जिसको रक्त नहीं मिला गरीब जरूरतमंद को, उसको मात्र 5 मिनट में का या 10 मिनट का टाइम लेते हैं, हम पहुँच कर रक्तदान कर देते हैं। और हमारे 100 रक्तदाता तो ऐसे चिन्हित है जो 24/7 तैयार रहते हैं रक्तदान करने के लिए, वो रिजर्व है ऑन कॉल डोनेशन के लिए, जो हर 3 माह में रक्तदान करते हैं। और ऐसे रक्तदाता है जो 30 बार 35 बार 40 बार रक्तदान कर चुके हैं। ऐसे 50 से अधिक रक्तदाता अपने रक्तोस फाउंडेशन में बूंदी में तैयार हुए हैं। और हमारे बूंदी में जिला उपाध्यक्ष शिवराज जी बैरागी और शहर अध्यक्ष रवि कुमार जी गोंद, और दो जो किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो हमारी कार्यकारिणी लगभग 5 की तो हो चुकी है। और अगले वर्ष तक ब्लॉक में जाना है अब आपको। जी, ब्लॉक की पूरी तैयार कर देंगे सर। इसके अलावा हमारी बूंदी में जो सेवा चलती है रक्तोस फाउंडेशन की, जो फुटपाथ पर घूमते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, किसी की दाढ़ी बढ़ गई, किसी के बाल बढ़ गए और कपड़े ऐसे हो जाते हैं गंदे की बदबू आती है, उनको हम नीला धुला के नए कपड़े पहना कर उनका पूरा खूब बदल देंगे सर। ये हमारा कंटिन्यू बूंदी में, आप कभी आओगे तो आपको ऐसा कोई भी मध्यम दिन देगा जो जिसकी दाढ़ी बढ़ रही हो, कपड़े पुराने हो, फटे हुए हो, उसको हम नए कपड़े तुरंत कर देते हैं। 8-15 दिन में हमारा अभियान चलता है रक्तोस फाउंडेशन का। वेरी गुड। और आपके से प्रेरणा लेकर चरण पादुका का अभियान भी हमारा चलता है सर, 2 साल से निरंतर चल रहा है, उसकी पहले नहीं चलता था और 8 साल से हम सेवा में ही से। इसके अलावा पौधारोपण अभियान हमारा हर रोज चलता है, गर्मी में परिंदा बांधो पक्षी बचाओ अभियान, तो पक्षियों के लिए परिंदा बांधे जाते हैं दाने पानी के। इसमें 2 तरह के नया परिंदा है सर, वो जो बनता है, एक तरफ तो पानी आता है, एक तरफ से दाना भरा जाता है। ये अभियान में आपकी परिंदा से है सर, और अगली बार हम गति लाएंगे और प्रयास करेंगे रक्तोस फाउंडेशन जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। और इस रक्तदाता दिवस से रक्तदान रक्तोस फाउंडेशन की पहल पर घर घर रक्तदाता अभियान की हमने शुरुआत की है। बूंदी की हर घर में एक रक्तदाता हमें तैयार करना है, चिन्हित करना है उसकी मोबाइल नंबर सहित। ये उपलब्धि अगले साल आपको सामने पूरी रूपरेखा के साथ हम पेश कर देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रदान किए जाने हैं, वे इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दें। आपके लिए आप तालियां नीचे से जरूर जारी रखें। उमाकांत मीणा जी अगर पधारे हों, से प्रथम स्थान पर निबंध प्रतियोगिता जो उनके बेटर हाफ है इस पुरस्कार को प्राप्त कर, जल्दी में कहीं जल्दी से आप पहुंचे, बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद रीता शर्मा जी को मैं बुला रही हूँ, स्थान पर रही हैं करती हुई। साक्षी नई दिल्ली से अगर आई हैं, उसे तीसरे स्थान पर पुरस्कार ग्रहण करती हुई, वे भी अपना पुरस्कार लेने के लिए मंच पर। हितेश केसरी जी निबंध लेखन 2024 निबंध लेखन में कोटा से, छिपा बड़ौदबाणा से इसी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, वे भी स्टेज। आस्था खान जी अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। रूपम चौधरी और प्राची गोड़ा चाहूंगी ललित कला अकादमी के कला जत्था ट्रस्ट और बुला रही हूँ। पूजा भारद्वाज जी मंच पर पहुंच चुकी हैं। शकुंतला महावर जी, क्योंकि सभी को ये मेमोरीज तो कैप्चर करनी ही है, तो ये कोई सीनियर रक्तदान अवार्ड फाउंडेशन कोटा ये अवार्ड ग्रहण करेंगे। और बहुत बहुत बधाई लोकेश जी को जी, लोकपति जी 2023 के लिए जिला सचिव रक्तकोष फाउंडेशन कोटा का दान अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है वर्ष 2023 के लिए। और ये रक्तदान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले एक रक्तवीर को दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड, तालियां होनी चाहिए। आदरणीय IAS जिला कलेक्टर महोदय श्री प्रकाश राज पुरोहित जी और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी से अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। 2024 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री रोहित शर्मा CA जिला अध्यक्ष रक्तकोष।
मंच पर जोरदार तालियां इनके लिए। मरुधरा से ये यहाँ सेकंड जी द्वितीय स्थान 2023 के लिए और प्रथम स्थान आस पास कहीं कोई है नहीं इनके 10,740 यूनिट। जोरदार तालियां लगातार बजनी चाहिए इन रक्तवीरों के लिए। 2023 में श्री गंगानगर की टीम 10,740 यूनिट रक्तदान के लिए रक्त शिरोमणि के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित होती है। भाई साहब पीछे सर्वाधिक रक्तदान करने वाली संस्थाओं को सम्मान देंगे और उसमें हनुमानगढ़ 2023-24 में 1896 यूनिट रक्तदान के साथ तृतीय यूनिट रक्तदान के साथ दो टीम दर से आ गया रक्तदान प्राप्त करती है। सम्मान गौरव के साथ ग्रहण करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय कौन दिखाई दे ये भी जरूरी है तो ये सब यहाँ सेटिंग होती हुई मंच से हमेशा होती है तो अधिकार उनका विजेताओं का अधिकार है। 2024 के लिए लो एक बार आ जाओ सर एक बार कलाकार टीम से अभी चुरू की टीम मंच पर है। बूंदी की टीम बूंदी से जो पधारे हो पड़ जाओ लोकेजी ला बूंदी राजे जी हाँ बना जा अरे फोटो तो चाहिए अरे बूंदी से आइए अब बूंदी की टीम जाएगी उसके बाद जैसलमेर की टीम बूंदी की टीम अभी मंच पर है। जैसलमेर की टीम जिनसे भी इंट्रोडक्शन किया था सर ने वो आ जाए इसके बाद मंच पर वो जाएंगे जैसलमेर से। सुनो आपके आगे रखो इसको आपके आगे रखो तो मैं खींच देता हूँ जैसलमेर की टीम अभी मंच पर पहुंचे और उसके बाद टोंक के मेंबर्स लाइनअप हो जाएंगे। जैसलमेर से चलो जाएगा एक ही प्रतिनिधि है उसके बाद टोंक की टीम चलो जो आप यहां से जरूर लेकर जाएंगे। अब आप ना मेरे साथ आ जाओ गंगानगर की टीम सारी मैंने एक साथ आ जाओ अगला नाम मैं ले चुकी हूँ झालावाड़ की टीम तरफ या जो दूसरी तरफ है उस तरफ लाइनअप हो जाए ताकि इसके बाद वो लोग अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त कर एक फोटोग्राफ सर जी ले सके जाओ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सम्मान मन से दिए जाने जिनके बारे में पदाधिकारियों को पता है कि उनके साथ मिलकर उन्होंने सफल बनाया है इस कार्यक्रम को तो आदरणीय सर से वो सभी सम्मान प्राप्त करते हुए आप किसी कोई प्लीज ब्लड डोनेशन करना चाहिए जाइएगा मत करके जाइएगा बाहर बैंड इंतजार कर रही है आपसे फोटो भी लिया मैंने बहुत धन्यवाद आ गया ना। वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह में रक्तकोष फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी रामगोपाल बिश्नोई जी ताराचंद शर्मा जी मनोज सुथार जी अनिल मारमठ जी नितिशा जी और समस्त रक्तकोष फाउंडेशन की जो टीम है जिला स्तर के कार्यकारिणी यहाँ पर जो उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन जिनको पुरस्कार मिला है गणमान्य मैं सबसे पहले जितेंद्र कुमार सोनी जी आज हमारे साथ यहाँ पे हैं इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा और टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे मैं साथ में बैठा था और आप सब लोगों के किस्से सुनकर मेरे को एक किस्सा याद आया जितेंद्र कुमार सोनी जी के साथ का ही है इनको याद नहीं होगा पर फिर भी मैं एक बताना चाहूँगा बहुत छोटी सी घटना है इसलिए शायद इनको याद ना हो। पहले पार्क में वॉक कर रहे थे जा रहे थे तो एक पक्षी था वो घायल था और ट्रैक के पास ही घायल पक्षी पड़ा था। लोग ट्रैक से जा रहे थे पर इनकी नज़र जब वहाँ पे पड़ी इन्होंने उस घायल पक्षी को उठाया इनको चिंता हुई कि कहीं कोई शिकार ना कर ले उसका वहीं गीली मिट्टी से इन्होंने लेप किया पानी पिलाया और उसको एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा ताकि वो सुरक्षित रहे और कोई शिकार ना करे और वो एक ठीक भी हो गया उस गीली मिट्टी के लेप से। तो ये एक जो सेवा भाव है ये सेवा भाव मैं आज पूरी इनकी टीम में आप लोगों में सब में मैं देख रहा हूँ जो
लगभग 1.5-2 घंटे से मैं आपके साथ रहा हूँ। तो रक्तदान महादान जो आपकी थीम है, तो एक व्यक्ति जो अपने दिनचर्या में बिजी रहता है वो चाहता तो है पर कई लोग उस चाह को कर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो आपकी टीम ने न केवल खुद करके पर इतना मोटिवेशन करके 1,13,000 यूनिट रक्तदान करवाया है। ये तो रिकॉर्ड में तो आया ही है पर एक ऐसी पहल है जो हम सोच भी नहीं सकते और आप लोग सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हो सकता है हमें डायरेक्टली ना पता चले कि जितना कितना आपको आशीर्वाद दे रहा है, कितनी उसकी दुआएं अपने लिए निकल रही है, क्योंकि डायरेक्टली हमें नहीं पता चलता कि किसके लिए जा रहा है। कभी कभी पता चलता है क्या गया। आज जो आप लोग मैंने देखा 6 साल में आपकी पूरी जर्नी रही है और अगले साल के भी आपने टारगेट बनाए हैं, चाहे इसको एक्सपेंड करने के हों या फिर और अधिक रक्तदान इकट्ठे करने के हों, तो ये चीज के लिए भी आप लोग सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो विजेता है, जो रहे हैं, चाहे अलग अलग प्रतियोगिताओं में रहे हों, रक्तदान के लिए मोटिवेट करने के लिए जो आप लोगों ने प्रतियोगिताएं रखी हों, या फिर जो टीमें रही हों, विनर्स तो रहती हैं, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, गंगा और भी सभी टीमें आपके कार्यकाल में सभी अच्छा काम कर रही है और हमारे एफर्ट से, आप लोगों के एफर्ट से जो भी जाने बचती हैं उसका कोई मोल नहीं है, सारी जाने अनमोल होती है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और आप सबसे मुझे भी आज इस इवेंट से प्रेरणा मिली है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम को कि मुझे यहाँ पर बुलाया, आप लोगों के बीच में रहकर मुझे एक जो एनर्जी फिर से मिली है और अधिक काम करने के लिए और मुझे भी मोटिवेशन मिला है। तो आप सब लोगों से मैं मोटिवेशन लेके भी जा रहा हूँ और आप सब लोगों को मैं आगे भी यही कहना चाहूँगा कि इसी कार्य में लगे रहिए। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमें उसका फल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा जो हम अच्छा काम कर रहे हैं और मानव सेवा से बढ़कर कुछ भी काम नहीं। थैंक यू। माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत ही आदर और सम्मान से मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, संस्थापक और संरक्षक रक्तकोष फाउंडेशन और अध्यक्ष महोदय रक्तदान अधिवेशन 2024। आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मेरे साथी, मेरे भ्राताश्रम जिला कलेक्टर जयपुर श्री प्रकाश जी, मंच पर बैठी हुई रक्तकोष की हमारी सारी टीम, राम गोपाल जी, ताराचंद जी, मनोज जी, मरमठ साहब, मेरी आंखों के सामने मौजूद वो सारे लोग जिनकी वजह से हम पात्र बन पाए कि ये एवी में क्या दिखाया गया है, क्या लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल क्या होगा, वो सब आप लोगों की मेहनत है। मैं आप में से प्रत्येक व्यक्ति का उसकी खूबी, उसका नाम से लेकर किस ढंग से काम करते हैं उनके बारे में बता सकता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ हर वो चेहरा जो जुड़ा है, मेरे साथी राहुल जी जिन्होंने फिल्म अभिनेता के तौर पे काम किया है, वो भी देखिए चुपचाप पीछे की तरफ बैठे हैं और इस एवी को बनाने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया और बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ। आपने देखा होगा जब ये मंच माइक इनके हाथ में होता है पूनम मैम के, तो किस ढंग से ये शब्दों के साथ कैसे उसको अच्छे ढंग से संजोती हैं कि आपके माहौल में रोचकता बनी रहती है। नितिशा मैम पीछे काम कर रही हैं, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मंच पर बोलने वाला व्यक्ति उनका नाम लेगा या नहीं लेगा, बस उनको ये पता है कि उनके दिल से आवाज़ निकलती है कि उनको काम करना है। ये जुड़ना बहुत सरल होता है पर जुड़े रहना बहुत कठिन होता है और जुड़े रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं पहले मेरे साथी कलेक्टर साहब को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि जयपुर कलेक्टर के तौर पर आपकी जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं उसके बावजूद भी आपने 2 घंटे का समय हमारे बहुत ही छोटे से विनम्र आग्रह पर आपने निकाला, यह हमारी पूरी टीम के लिए बड़े हौसले की बात है। आप जिन जिलों में आपने बतौर जिला कलेक्टर सेवाएं दी हैं उन जिलों के भी बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। आपके बारे में राम गोपाल जी बता रहे थे, राम गोपाल जी शायद उस पक्ष को जानते हैं जिस पक्ष को समाचार पत्र उद्धृत करते हैं, पर मैं इनका साथी हूँ, पिछले 15 साल से हम लगातार साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही विनम्र
बिल्कुल जमीन से जुड़कर काम करने वाले वो व्यक्ति हैं कि अगर हमारी सेवा में कोई व्यक्ति आए और वो सोचे कि मुझे किसी से कुछ सीखना है, तो उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे अच्छा नाम ये हो सकता है जिनसे कुछ सीख सकते हैं आने वाले हमारी प्रशासनिक सेवा के लोग, ऐसे हैं। रक्तकोष की अगर मैं बात करूं तो राम गोपाल जी बता रहे थे कि देखिए क्या है कि आज के दौर के अंदर जब एक हाथ कई बार दूसरे को पहचानने से इनकार कर देता है, वहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग आर्थिक स्थिति, गांव, शहर, पढ़ा लिखा, कद, दिखना, इन सब में भिन्नता वाले हमारे सारे लोग एक परिवार की तरह मौजूद हैं। माथे पे कौन लिखा के लाया है कि कौन किसके साथ क्या करेगा, पर आप देखिए ना, एक साल तक अगर किसी व्यक्ति से फोन पर, उसके मैसेज पर या किसी और चीज पर, या कभी उसने ये उम्मीद ही ना रखी हो कि मैं इनको फोन करूं, वो व्यक्ति सिर्फ इस नाम के साथ जुड़ा रहकर काम करता है, तो मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाला कभी किसी का भाग्य लिखता होगा तो उसने मेरे भाग्य में अच्छे लोगों का साथ लिखा है और विश्वास लिखा है कि हमें काम करना है। मैं कहता हूं कि ये जो भरोसा है, ये जो यकीन है, ये जो टीम की भावना है, ये किसी सब्जी मंडी में, किसी लोरी के पर या किसी मेडिकल स्टोर पे गोलियों के तौर पर नहीं मिलती है। ये रक्त का दान करने वाले लोग पता नहीं कहां से ऐसी शक्ति लाते हैं। मैं गवाह हूं इस बात का, मैं इस बात का गवाह हूं कि मैंने कई संदेशों में पढ़ा व्हाट्सएप पर कि रात को पता लगा 11 बजे संदेश आया हुआ, अपने आप स्वतः ही स्वप्रेरणा से घंटे दो घंटे के बाद हमारे साथी वहां पहुंचते हैं, रक्तदान करते हैं। उनको कोई तड़क भड़क चमक वाली चीजें नहीं चाहिए, हम सबको ढल जाना है एक दिन। अमर पट्टा लेकर कोई नहीं आता है, बहुत सारे ताने माने हम बुन लेते हैं अपने चारों तरफ, इनकी जरूरत नहीं है। बहुत सीधा, बहुत सरल, बहुत सहज, नदी की तरह बह पाना सबकी किस्मत नहीं हुआ करती है। जिस दिन उम्र ढलती है, आदमी चारपाई पे लेटता है, उसके हाथ पैर जब काम नहीं करते और आसमान की तरफ देखकर अगर वो जीवन में अतीत के पन्नों को पलटे तो उसको लगना चाहिए कि मैंने मेरा जीवन सिर्फ घर की तिजोरियों में हरे नोटों के लिए नहीं लगाया, मैंने मेरे शरीर से निकली हुई रक्त की बूंद से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया हूं तो मेरा जीवन सफल हुआ है। खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते और नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते। जिस मंदिर की नींद में भर दी गई हो लाशें, फिर ऐसे मंदिर में दर्शन देने को राम नहीं आते हैं। और हमें लेकर आना है, हमें बताना है कि रक्तकोष फाउंडेशन एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाली वो संस्था है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। हम कोई, जैसे राम गोपाल जी ने बताया, मैं दोहराने की शर्त पर बोल रहा हूँ, कोई बैंक खाता नहीं है, किसी से कोई धनार्जन या किसी प्रकार का पदमो नहीं है। बनाने को तो एक साल के अंदर कभी भी हम पूरे के पूरे जिलों के अंदर स्थापना कर सकते हैं कभी भी, पर भीड़ जुटाना मकसद नहीं है हमारा, हमें साथ चाहिए। और इसलिए इतने साल बाद में भी अगर हम 25 जिलों तक पहुंचे हैं और जिन साथियों को हमने में जोड़ा है वो स्वयं अपनी पीठ पर इस बात की थपकी दे सकते हैं कि उनके अंदर एक कुवत है, एक योग्यता है, और हमने बहुत परख कर रक्तकोष फाउंडेशन में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया है। जितेंद्र परिहार जी जब अपनी बात कह रहे थे, सोचिए आज से 13 साल पहले मैं माउंट आबू में था, ये अब छोटे से दिखते हैं तो 13 साल पहले कैसे होंगे। बहुत सालों तक परखा इनको, पता है 140-145 करोड़ लोगों के इस देश में जब आप यहाँ से गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, कितनी चमकीली गाड़ियाँ निकलती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, सबकी अपनी विषमताएं, सबकी झिबटताएं हैं, सबकी अपनी ताकत है, सबकी अपनी चुनौतियां हैं, सबके अपने पारिवारिक मुद्दे हैं, सबके अंदर कुछ सपने हैं, कुछ दम तोड़ती इच्छाएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं, सबके साथ ऐसा है। पर हम केवल सुबह चाय का गिलास पीने, दोपहर का लंच और शाम का डिनर करने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर ये जीवन है तो फिर सबका एक जैसा होता होगा। हम कुछ अलग करते हैं और वो जो अलग करते हैं
वो शरीर की नाड़ियों में जाने वाली वो चीज है जो किसी कारखानों में पैदा नहीं होती, उसके सारे भी होते हैं। मैं सारे रक्तवीर जो मेरी आंखों के सामने हैं उनको बताना चाहता हूं कि किसी ब्रोशर के ऊपर या किसी अखबार की कटिंग के ऊपर भले ही लिखा जा सकता है कि संस्थापक ये हैं, या मेरा फोटो लगाया जा सकता है या किसी और साथी का लगाया जा सकता है, पर उन फोटो पे आई हुई चमक और उन सारे अक्षरों के पीछे जो असल ताकत है वो सब आपकी है। आप मेहनत करते हैं तो रक्त कोश का नाम बनता है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 8-9 सालों में मुझे एक बार भी ऐसा किसी को फोन करके टोकना रोकना नहीं पड़ा कि तुमने गलत किया है। कई बार मुझे पता है कि वो कोई साथी ऐसा होता है वो किसी संकट में है, पर उसने मेरे इस स्नेहिल रिश्ते का इसमें कभी लिबर्टी नहीं ली कि मुझे फोन करके ये बोले कि सर ये इस तरीके का काम है, प्लीज मेरी आप हेल्प कर दो। उसको पता है कि हमारा और उसका जुड़ाव रक्तदान से है, किसी स्वार्थ के रिश्ते पे नहीं है। कभी नहीं कहा किसी ने हैसियत से रक्त नहीं मांगा है, कभी भी फोन नहीं किया है। हमने पता है कहां लिखा है, हमारे ग्रुप में लिखा है, एक आम रक्तदाता बनकर रक्तवीर बनकर ग्रुप में लिखा है कि इस जगह अपने को रक्त की जरूरत है। और हमारे साथियों ने हमेशा उस बात पे हमेशा मौका दिया कि हम खुश हो सकें, संतुष्टि प्राप्त कर सकें कि आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ इसको जिंदा रखा है। एक घर में भी 5 लोग होते हैं तो कई बार मतभेद होते हैं, ये तो बड़ा परिवार है। ये कागज पे लिखे हुए अक्षर कई बार हमें गंभीरता नहीं बताते हैं उतनी, पर आप सोचिए 25 जिलों के अंदर जिला कार्यकारिणी ब्लॉक कार्यकारिणी इतने साल का साथ, बहुत सारी चीजें आती हैं सामने, पर उन सबके बावजूद भी हम एक हैं, क्योंकि हमें पता है कि मतभेद तो फिर भी हम निपटा लेंगे, मनभेद नहीं आना चाहिए, और इसलिए हमने मनभेद को कभी अपने साथ जुड़ने नहीं दिया है। हमें सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है, और हम इसलिए सारथी बनकर आगे बढ़ रहे हैं कि काम करें। बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के साथ करने की, परंतु कार्यक्रम के अंदर हमने ये तय किया था कि शुरू में हम जिला कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में एक हमारा जो 2 घंटे का कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, उसके पश्चात हम जिलावार एक एक साथी से बात भी करेंगे, उसका समय अभी आएगा। मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे शुरू में हमने अनीता व्यास जी को याद किया था, अनीता व्यास जी के परिवार के अंदर उनके रिश्तेदार, उनका बेटा भतीजा, उनकी मासी चाची नानी, पता नहीं कहाँ कहाँ किन गांवों में रहती। आपका मेरा अनीता व्यास से खून का रिश्ता वैसे नहीं है, हम उनके कोई सगे संबंधी नहीं है, पर हमारा रिश्ता पता क्या है, हमारा रिश्ता ये है कि जब खून की ज़रूरत होती थी तो अनीता व्यास आके उठ के खड़ी होती थी, और हम उस रक्तकोश फाउंडेशन को चलाते हैं जो खून के लिए काम करता है, और ऐसे रिश्तों के दम पर ही हम इसको जिंदा रखेंगे। हमारी ताकत कोई लोहे का हथौड़ा नहीं है, हमारी ताकत कोई हरी चमक वाली उस गड्डियां नहीं है जो लोग रखते हैं, हमारी ताकत कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग्स या हमारी ताकत 4 पहियों वाली चमकदार गाड़ियां नहीं है। हमारी ताकत ये है कि हम एक दूसरे को जब 6 महीने या साल बाद में भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रोज बात होती है। हमारी ताकत ये है कि हम केवल रक्तदान का ख्याल रखते हैं। हमारी ताकत ये है कि हमें पता है कि मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो रक्तदान का अपमान होगा या उसके सम्मान में कहीं कमी आएगी, और इसलिए आप अपने आप स्वप्रेरणा से खुद के अनुशासन से काम करते हैं। कहाँ मिलती हैं ऐसी चीजें। मैं इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया मुझे अचरज हुआ, मुझे अच्छा भी लगा, नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमारे बीच में वो आए हैं, ये साबित करता है कि रक्तकोश फाउंडेशन की अपनी एक गरिमा है। वहाँ से पुरस्कार को लेने के लिए आना भी आदमी 10 बार सोचता है, गुणा भाग करता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर वो चलकर आए हैं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। पूरे राजस्थान देश भर के अंदर आप लोग पता नहीं कब ये सारी चीज़ें करवा लेते हैं, मैं तो सोच के हैरान हूँ। रामगोपाल जी, ताराचंद जी, अनिल मरमट जी, मनोज जी, नीतीशा मैम, हमारे बाकी सारे साथी, अलग अलग जिलों के हमारे जो अध्यक्ष महोदय उनकी पूरी टीम है, कब करते हो इतनी मेहनत। जब मैं यहाँ आया तो मुझे अचरज हो रहा है, हर चीज़ इतनी खूबसूरती से इतना सोच समझ के लगाई गई है। सबकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, पर उसके बावजूद भी आप ऐसा काम करते हैं, तो फिर मैं क्यों ना यकीन करूँ इस बात पर कि अगर
कहीं भाग्य की कोई लाइन बनी थी तो शायद मैं बहुत आगे खड़ा था, तभी अच्छे लोग मुझे साथ मिले। हम इसी तरीके से काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, और रक्तदान जो हमारा पवित्र उद्देश्य है, हम उसके लिए लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, हमारे रक्त की हर उस बूंद तक जो इस बात के लिए हमें प्रेरित करेगी। मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा और विनम्र प्रार्थना भी करूंगा कि हमें रक्तकोष फाउंडेशन की गरिमा, हमारा लक्ष्य, उनको ध्यान देना है। मैं पुनः मेरे साथी श्री प्रकाश जी को भी बहुत आभार धन्यवाद दूंगा कि आप आए, आपने बहुत अच्छी प्रेरणादायी बात हमारी टीम को बताई है। और मुझे ये भी यकीन है कि इस लंबे प्रशासनिक जीवन में आप जिस किसी भी पद पर रहेंगे, जब कभी भी रक्तकोष फाउंडेशन को किसी भी प्रकार से ऐसी किसी मदद की आवश्यकता हुई, जिसको आप अपनी पतीय हैसियत से या व्यक्तिगत हैसियत से दोनों तरीकों से हमारी मदद कर पाएं, तो आप हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। हम सारे लोग मिलकर परिवार की तरह काम करें, इसी पवित्र सोच के साथ रक्तदान महादान। इसके साथ ही हम बहुत बहुत धन्यवाद भी सर को कहना चाहेंगे इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे लिए कुछ समय निकालने के लिए, जोरदार ताली। इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय और संस्थापक रक्तकोष फाउंडेशन हमारे संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ। श्री मनोज सुथार जी उपाध्यक्ष जो मंच पर ही मौजूद हैं, और अब मैं बुला रही हूँ विभूति को जो अभिनेता होने के साथ साथ हमारी जो एवी प्रेजेंटेशन थी उसके लिए उत्तर लाए हैं, बहुत ही आदर सम्मान से सम्मान ग्रहण करते हुए फाउंडेशन पर भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। शीघ्र रविंद्र जी जिलाध्यक्ष श्री गंगानगर से हमारे बीच पर बीच है सत्यवीर जी, उनको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। पूनम जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सभी को बांधे रखा है, आप सभी आपको बहुत बहुत रक्तकोष फाउंडेशन के प्रोग्राम में उनकी गरिमा यहाँ पधारने के लिए, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जब 2008 में लीव रखी गई थी विश्वास कीजिए बहुत ऊर्जा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और साजिश जी जब सर रात को 2 बजे मैसेज करते हैं या कभी भी उनके फोन भी करते हैं तो इतनी ऊर्जा और इतनी मुस्कुराहट के साथ। जेनाराम जी कभी कोई प्रॉब्लम होती है जयपुर में भी वो हमेशा हमेशा हमें कहते हैं कि मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ। राहुल सूद सर थैंक यू सो मच फॉर द एवी सर। कल सर राहुल सूद सर को बहुत मतलब फूड पॉइजनिंग थी और पिछले